हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका बंसल अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्लीट आपको जो जितने भी टॉपिक करवाए जाते हैं उनके साथ के साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, और किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में बन सकते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो जैसे कि आपको क्वेश्चन आंसर है, आपने टॉपिक पढ़ा था जैनिज्म एंड बौद्धिज्म, तो यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिनेटर ऑफ द जैन रिलीजन इज। तो जैन धर्म जो है किनके द्वारा शुरू किया गया था। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो जैन धर्म है वो एज ओल्ड एज आप कह सकते हो कि जब हमें वैदिक सोसाइटी के बारे में पता चलता है लगभग लगभग उतना ही पुराना माना गया है, क्योंकि जैन धर्म का रेफरेंस ऋग्वेदा में भी मिलता है। ऋग्वेदा में मिलने के कारण आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या बनता है, डी ऑप्शन, कि भगवान ऋषभ देव जी जो थे, ऋषभ देव जी के बारे में हमें ऋग्वेदा में भी मिलता है कि जो भगवान ऋषभ जी देव जी हुए हैं, ठीक है, जैन धर्म के पहले अनुयायी, फर्स्ट तीर्थंकर, और उनका रेफरेंस आपको विष्णु पुराण में भी मिलता है, भगवत पुराण में भी मिलता है कि जो भगवान ऋषभ देव जी हैं वो भगवान विष्णु के ही इनकार्नेशन माने गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स डी ऑप्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जी, इन जैन रिलीजन विच वर्ड इज यूज फॉर कंप्लीट इंटेलेक्ट। सो जैन धर्म में संपूर्ण बुद्धि, ठीक है, तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखे हैं। इस टाइप के मैंने आपको पहले बताया था कि टर्म्स पेपर में पूछी जाती हैं कि जिना, जिन शब्द का मतलब कुछ ही होता, ठीक है, जिना वर्ड होता है, जिना मीन्स कंकरर, जीतने वाला, अपने ऊपर विजय प्राप्त करने वाला, ठीक है, रत्ना, आपने पढ़ा जी थ्री रत्ना ऑफ जैनिज्म, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कावल्य। सी ऑप्शन कावल्य मीन्स नॉलेज। सो जैसे कि आपने पढ़ा था जी अंडर साल ट्री भगवान ऋषभ देव जी, सॉरी जो आपके भगवान महावीरा जी थे उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, 24th तीर्थंकर, ठीक है, महावीरा जी को ज्ञान की प्राप्ति अंडर साल ट्री, ठीक है जी, जंबिका ग्राम में हुई थी। तो ये हमने टॉपिक में अपना पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो हमेशा ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ा करो कि इनमें से कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है, नॉट पूछा उसने, नॉट अ त्रिरत्न, तो राइट फेथ है, राइट नॉलेज है, राइट कंडक्ट है, राइट व्यू नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सी ऑप्शन। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आया। तो एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल के जैन धर्म से जुड़े हुए, जैन फिलॉसफी के बारे में, ठीक है, जैन लिटरेचर के बारे में, या लैंग्वेज के ऊपर, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर थ्री रत्न क्या थे, थ्री ज्वेल्स क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हु ऑफ द फॉलोइंग किंग वाज एन एडरेंट ऑफ द फॉलोइंग जैनिज्म। तो कौन से यहाँ पर जो रूलर हुए हैं, ठीक है, जिनके द्वारा, कौन सा राजा हुआ है, कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट रूलर हुआ है जिनके द्वारा जो है जैन धर्म को अपनाया गया, जैन धर्म के अनुयायी बने, यहाँ पर सी ऑप्शन है स्टूडेंट्स राइट आंसर खरावेला। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, सी ऑप्शन खरावेला। ठीक है जी, सी ऑप्शन खरावेला। सो कलिंग स्टेट का इंपॉर्टेंट रूलर खरावेला, इनके द्वारा जैन धर्म को अडॉप्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे है स्टूडेंट्स, अमंग द फॉलोइंग Who is given the credit of carrying the Jainism in South India? तो students, South India में जैन धर्म को spread करने वाले कौन हुए हैं, और North India में किनके द्वारा spread किया गया? भगवान महावीरा जी के बाद जो है जैन धर्म जो है दो गुटों में divide हो गया था, दो sect में बट गया था, ठीक है। तो South India में spread करने वाले कौन थे जी, भद्रबाहु, C option। जो चंद्रगुप्त मौर्य भी थे वो भी भद्रबाहु के साथ जो है साउथ इंडिया चले गए थे, और बाद में उन्होंने भी मोक्ष की प्राप्ति इनसे ही ली थी, ठीक है। और नॉर्थ इंडिया में किनके द्वारा जो है जैन धर्म को स्प्रेड किया गया थे, वो थे सुथुलभद्रा। सो साउथ इंडिया में दिगंबर जैन को स्प्रेड करने वाले जो भद्रबाहु थे, और दिगंबर जैन किस चीज की बात करते हैं जी, हमने पढ़ा था कि जो दिगंबर जैन, जो जैन मुनि होते हैं वो टोटली नेक्ड रहते हैं, ठीक है, नॉट वेयरिंग क्लॉथ,
अ सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ गिवन। और किसको माना गया कि हमारा शरीर ही हमारे क्लोथ हैं, और मेन किसकी बात हुई है, सोल की। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि जैन धर्म में किसकी बात की गई, भगवान की बात की है, सोल की बात की गई है, इस तरीके से कर्मा की बात की गई, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज एसोसिएटेड विद जैनिज्म। तो जैन धर्म से जुड़ी हुई, जैनिज्म से जुड़ी हुई, इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट प्लेस है जी, ठीक है, जैसे कपिला स्तूप, बावा, प्रयाग, ठीक है, श्रावस्ती। तो आपको पता हो जी स्टूडेंट्स, आपने क्लास में टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि जो प्लेस थी पावा, पावापुरी, ठीक है जी, तो ये किन से जुड़ी थी, ये महावीरा जी से जुड़ी थी और जैन धर्म से जुड़ी हुई प्लेस है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, पावा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे स्टूडेंट्स, विद रेफरेंस टू एंशियंट जैनिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। उसने क्या पूछा जी, कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। सो जैनिज्म वाज स्प्रेड इन साउथ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ सुतल बाहु, नहीं, ठीक है, भद्रबाहु था, आपने पढ़ा था जी। सो जैनिज्म रिमेन अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु एंड वरकार द श्वेतंबरा आफ्टर द काउंसिल हेल्ड एट पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र की काउंसिल के बाद, ठीक है जी, उन्होंने शुरू किया, नहीं। जैनिज्म एंजॉय द पैट्रनेज ऑफ द कलिंगा किंग खराबेला इन द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ बीसी। सो पहली शताब्दी बीसी में जैन धर्म को कलिंग के राजा खराबेला का संरक्षण प्राप्त हुआ, यस, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर है, इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द जैनिज्म, जैनिज्म वर्शिप इमेज अनलाइक बुद्धिज्म, ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, इस टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जब भी ऐसे क्वेश्चन करते हो एक बार अच्छे से स्टेटमेंट्स को पढ़ो, इवन की सबसे पहले जरूरत होती है क्वेश्चन को समझने की, उसने क्या पूछा है, उसने करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, इन चीजों को ध्यान से नोट करना है। जब भी क्वेश्चन करते हो, नोट्स बनाते हो अभी, ठीक है, तो अच्छे से इन चीजों को कवर करके चलाओ। लेकिन अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका, ठीक है, इस तरीके से पूछा जा सकता है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया। तो भाई एशिया, सिंपल सी बात है जी, पूरे एशिया में बुद्ध धर्म बहुत तेजी से स्प्रेड हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, भगवान बुद्ध, लॉर्ड बुद्ध, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया, लॉर्ड बुद्ध। सो बुद्ध धर्म जो है, अगर हम बात करें पूरे पूरे साउथ ईस्ट एशिया और इवन उस टाइम पर पूरे एशिया में बहुत तेजी से फैला, बहुत तेजी से स्प्रेड हुआ। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था, क्योंकि सोसाइटी में जो लोअर सेक्शन के लोग थे उन्होंने बहुत तेजी से अडॉप्ट किया बुद्धिज्म को, सिर्फ उन्होंने ही नहीं किया, इवन के जो बड़े बड़े रूलर थे, चाहे अशोका की बात करो, चाहे राजा हर्षवर्धन की बात कर लो, लास्ट ग्रेट हिंदू किंग, तो सबने ही, ठीक है, बहुत तेजी से, जिसने भी अडॉप्ट किया तेजी से अडॉप्ट किया। लेकिन एक डिक्लाइन का फेज क्यों आया, उसका सबसे बड़ा कारण था कि एक्चुअल टर्म में इंडिया में बार बार हमलावर आ रहे थे, और अगर हमारे देश में जिस एरिया से हमलावर आ रहे हैं, अगर वहां पर जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये दो इंपॉर्टेंट जो रिलीजन थे, ये अगर बने रहते तो किस चीज की बात करते हैं, नॉन वायलेंस की। अगर नॉन वायलेंस पर ही टिके रहते हम, तो पॉसिबल नहीं था कि इस रिलीजन में रह पाते। इसीलिए ये सबसे बड़ा कारण बना कि इंडिया से, इंडिया में ही ये जैन धर्म, बुद्ध धर्म बने, और स्पेशली बुद्ध धर्म जो है इंडिया में बना, तेजी से पूरे पूरे एशिया में स्प्रेड हुआ, लेकिन इंडिया में ही क्यों नहीं स्प्रेड हो पाया। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जितने भी हमलावर आ रहे थे, अगर उनके अगेंस्ट खुद को बचाने के लिए हम तलवार ना उठाते, ठीक है, तो यही सबसे बड़ा कारण था कि जो लास्ट मौर्यन किंग था बृहद्रथ, पुष्यमित्र शुंगा एक स्टॉन्च ब्राह्मण थे, और उनको, पुष्यमित्र शुंगा को बृहद्रथ का वध करना पड़ा,
वध किस लिए करना पड़ा? बृहद्रथ का वध इसलिए करना पड़ा धर्म की रक्षा के लिए। ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, गौतम बुद्ध वास एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ गॉड बाय द टाइम ऑफ, तो किसके समय पे? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आपको कहोगे जी बुद्ध धर्म के फॉलोअर तो सभी हुए हैं, लेकिन यहां पर पॉइंट आ जाता है कनिष्का, ग्रेटेस्ट रूलर, ऑप्शन बी आंसर, जिसने कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर भी बुद्ध धर्म को फैलाया। उनमें से तो अशोका भी था आपको भी। लेकिन स्टूडेंट्स, जितना बड़ा राजपाट राजा कनिष्क का हुआ है और जितना बड़ा बुद्ध फॉलोअर राजा कनिष्क हुआ है, उतना बड़ा अशोका भी नहीं गिना जाता है। क्योंकि इसके पीछे लॉजिक क्या है आपको बता दूं कि गांधार तक, काबुल कंधार तक, इवन की जो पूरा का पूरा रशिया तक जो था, राजा कनिष्क का राजपाट था। ठीक है, राजा अशोका ने तो सिर्फ अपनी बेटी संघमित्रा, अपने बेटे महेंद्रा को भेजा था श्रीलंका बोधि ट्री लगाने के लिए। लेकिन असल मायने में जो कनिष्का के टाइम पे यहां पर गौतम बुद्ध जी को भगवान की उपाधि, भगवान की पोजीशन दी गई है। ठीक है, और कनिष्का के द्वारा लार्जेस्ट लेवल पे जो है स्प्रेड किया गया था बुद्ध धर्म को। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर इस क्वेश्चन में आंसर गलत मार्क करके आएंगे बहुत सारे लोग। कोई अशोका लगा के आएगा, ठीक है, कोई हर्षा लगा के आएगा, कोई चंद्रगुप्त विक्रमादित्य लगा के आएगा। राइट आंसर इज कनिष्का। ठीक है, तो राजा कनिष्क जो थे, राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सो गौतम बुद्ध अटेन द महापरिनिर्वाण इन द किंगडम ऑफ, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुशीनगर, सी ऑप्शन यहाँ पर, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो है कंस्ट्रक्ट करवाया गया। आपको पता है जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों बनवाया गया है? क्योंकि कुशीनगर, पूरी दुनिया में जो भी बुद्ध फॉलोअर हैं वो इस प्लेस पे पहुंचते हैं। ठीक है, रिलीजियस प्लेस है, होली प्लेस है, तो यहाँ पर महापरिनिर्वाण को मोक्ष की प्राप्ति कब हुई थी? ठीक है, कुशीनगर, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है जी, कहाँ पर हुई थी कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्टूडेंट्स, गौतम बुद्धास मदर वाज फ्रॉम विच क्लैन, तो गौतम बुद्ध की जो माता थी वो किस क्लैन से आती थी? तो गौतम बुद्ध खुद साक्या क्लैन से थे, उनकी मदर जो थी स्टूडेंट्स, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, कोलियान क्लैन, डी ऑप्शन कोलियान क्लैन। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कोई लिच्छवी क्लैन, साक्या क्लैन, ठीक है, माया क्लैन, गलत आंसर हो जाएगा। जो भगवान महावीरा जी की मदर थी, ठीक है, वो लिच्छवी क्लैन से आती थी। ठीक है, तो क्लैन का मतलब आपको पता होना चाहिए, वंश, कुल। ठीक है, और महावीरा जी भी, गौतम बुद्ध जी भी क्षत्रिय थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज बुद्धास फॉस्टर मदर, तो भगवान बुद्ध को पालने वाली माता कौन थी? उनके जन्म के बाद उनकी माता का देहांत हो गया था और बाद में उनको पाला था महाप्रजापति गौतमी के द्वारा, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, महाप्रजापति गौतमी, इसीलिए भगवान बुद्ध का नाम गौतम बुद्ध पड़ा। ठीक है, तो गौतमी से इसलिए उनको गौतम नाम जुड़ता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हु वाज अलारा कलमा, सो अलारा कलमा कौन थे? तो जब भगवान बुद्ध ने अपना घर त्यागा, घर छोड़ने के बाद सबसे पहले जब वो जंगलों में जाते हैं तो उनको सबसे पहले कौन मिलते हैं? उनके गुरु अलारा कलमा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो भगवान बुद्ध के टीचर थे, उनके गुरु थे, डी ऑप्शन, टीचर ऑफ बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड गौतम बुद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट सर्मन, तो भगवान बुद्ध के द्वारा जो है स्टूडेंट्स जो है अपना पहला उपदेश कहाँ दिया गया? सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सारनाथ। तो सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, महाबोधि टेंपल हैज बीन बिल्ट एट बोधगया, तो महाबोधि टेंपल जो है स्टूडेंट्स, महाकलो यहाँ पर किस चीज से जुड़ा हुआ है? जैसे यहाँ पर चार ऑप्शन दिए कि भगवान बुद्ध के जन्म को लेकर जुड़ा हुआ है, एनलाइटमेंट, जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति, फर्स्ट सर्मन डिलीवर किया, या फिर गौतम बुद्ध जो थे वो पास अवे थे।
तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स बी ऑप्शन इन लाइफ, जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधगया में, जिस महाबोधि टेम्पल बनाया वहां पर महाबोधि ट्री के नीचे बैठ के ज्ञान की प्राप्ति हुई, वही भी महाबोधि टेम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।